हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लू ट्रम्पेट वाइन की। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्लू ट्रम्पेट वाइन में कितनी प्यारी फ्लावरिंग हो रही है, बहुत ही अच्छे फूल खिले हुए हैं। अभी ब्लू ट्रम्पेट वाइन पर आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्लावर्स को, बहुत सुंदर लग रहे हैं ये फ्लावर्स। और आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप इस वाइन को अपने घर पर ग्रो कर सकते हैं, किस तरीके से आप इसकी केयर कर सकते हैं। तो आज इसी के बारे में हम अपने वीडियो में बात करने वाले हैं। पर वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं ब्लू ट्रम्पेट वाइन और इसके फ्लावर्स बहुत खूबसूरत लग रहे हैं फ्लावर्स। और रेनी सीजन में मोस्टली ये जो वाइन है फ्लावरिंग करती है, और दिसंबर के मंथ में भी इसमें से फ्लावरिंग होती है। तो बहुत खूबसूरत लगते हैं इसके फ्लावर, आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सुंदर से फ्लावर खिले हुए हैं। ये बर्ड्स भी काफ़ी हैं, काफ़ी सारी न्यू बर्ड्स आई हुई हैं, फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी हो रही है। अभी बारिश का मौसम है तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर बात करें इस वाइन को लगाने की, तो ये जो वाइन होती है इसे लगाने के लिए आप इसकी स्टेम का यूज़ कर सकते हैं। आप इसे अगर स्टेम कटिंग की हेल्प से लगाते हैं तो बहुत ही आसानी से ये वाइन आप ग्रो कर सकते हैं स्टेम की हेल्प से। और स्टेम को लगाने के लिए सबसे सही जो टाइम होता है वो रेनी सीज़न होता है। बारिश के मौसम में अगर आप इसकी स्टेम को लगाते हैं तो बहुत ईजीली ये प्लांट ग्रो हो जाता है स्टेम कटिंग की हेल्प से। सो फ्रेंड्स, आप इस वाइन को स्टेम कटिंग की हेल्प से लगा सकते हैं। और अगर हम बात करें इसकी केयर के बारे में कि अगर आपकी वाइन के अंदर फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो किस तरीके से केयर करें, जिससे कि आपको भी इस तरह की ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग अपनी वाइन में से आपको मिल सके, तो इसके लिए सबसे अच्छी चीज़ जो होती है फ्रेंड्स, वो होती है इसकी प्रूनिंग। ये वाइन होती है, वाइन जैसे ही चलता है ये ब्लू ट्रम्पेट, बट आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसे बिल्कुल श्रब जैसे कर दिया है, एक झाड़ी जैसा बना दिया है कटिंग करके, प्रूनिंग करके। तो जब आप इस वाइन की अगर प्रूनिंग करते हैं टाइम टू टाइम, तो आप इससे एक झाड़ी के जैसा शेप दे सकते हैं, जैसे कि मैंने दिया हुआ है। अगर आप इसे किसी प्लांट पर चढ़ाकर भी वाइन के रूप में लगाना चाहते हैं तो लग जाता है, इसकी ग्रोथ हो जाती है। पर यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रूनिंग का इफ़ेक्ट, प्रूनिंग करने से ये जो प्लांट है ये थोड़ा सा घना हो गया है और एकदम झाड़ी जैसा लुक दे रहा है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इस वाइन की केयर के बारे में, तो इस वाइन के लिए सबसे अच्छी चीज़ जो होती है इसकी केयर की, वो होती है इसकी प्रूनिंग करना। अगर आप टाइमली इसकी प्रूनिंग करते हैं, जब इसमें से फ्लावरिंग स्टॉप हो जाती है, तो ये इस वाइन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप प्रूनिंग करेंगे तो इसका असर इसकी फ्लावरिंग पर होगा, जो आपको नेक्स्ट सीजन में देखने को मिलेगा। तो जैसे ही वाइन में फ्लावरिंग स्टॉप हो जाती है, आपको इसकी प्रूनिंग करना है, जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है इसके लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें फर्टिलाइज़र की, तो ऐसे रेगुलर फर्टिलाइज़र की नीड नहीं है। आप मंथ में वन टाइम भी इसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं, तो भी बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करती है ब्लू ट्रम्पेट वाइन। तो फ्लावर्स के लिए आपको प्रूनिंग करना है और मंथ में वन टाइम इसमें आपको फर्टिलाइज़र देना है। इसके अलावा अगर हम बात करें वाटरिंग की, तो दोस्तों वाटरिंग बहुत ज़रूरी है इस वाइन के लिए, क्योंकि अगर आप इसमें वाटर नहीं डालेंगे तो आप देखेंगे कि इसकी जो पत्ते हैं वो मुरझा जाते हैं। अगर सॉइल ड्राई हो गया है तो ये पूरी वाइन मुरझा जाती है और इसमें से फ्लावरिंग तो बिल्कुल ही नहीं होगी, अगर आप इसे रेगुलर वाटर नहीं देते हैं तो बेहतर होगा कि आप इसमें रेगुलर वाटरिंग करें। गर्मी के मौसम में इसमें दो बार पानी चाहिए, इसे दिन में दो बार वाटरिंग करें इसके अंदर। सर्दी के मौसम में आप तीन दिन में वाटरिंग कर सकते हैं, पर रेनी सीज़न के अंदर आप सॉइल को टच करें, देखें अगर सॉइल मॉइस्ट है तो ठीक है, पर अगर सॉइल ड्राई हो जाता है तो आप तुरंत इसमें पानी दें, तो ये बहुत ही अच्छी ग्रोथ करेगी ब्लू ट्रम्पेट वाइन। आप देखेंगे कि अगर आप इसकी प्रॉपर तरीके से केयर करते हैं तो आपको बहुत सारे इसमें बर्ड्स देखने को मिलेंगे, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बर्ड्स आ रहे हैं, इतने अच्छी फ्लावरिंग भी हो रही है, बर्ड्स भी काफ़ी सारे हैं यहाँ पर अगर आप देखें तो। इसके अलावा आप इधर भी देख सकते हैं काफ़ी सारे बर्ड्स हैं। तो काफ़ी सारे बर्ड्स आपको कब मिलेंगे, जब आप इसकी केयर अच्छे से करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था तरीका किस तरीके से आप ब्लू ट्रम्पेट की केयर कर सकते हैं,
किस तरीके से आप इसको अपने घर पर लगा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।